डिंगल रसावल में आप बड़े मान स्वागत। आज नजर करूं वरिष्ठ प्रखर साहित्यकार ठाकुर साहब नार सिंह जी जसोदरी आखरी पोयोड़ी एक सुंदर बात है। टोगो राठौड़ मारवाड़ रो इतिहास वीरों री गाथाओं सु भरियो भरियो वीरता केंद्री बपोतिनी जिको मान और मर्जा सरुमान मान शान सु मर मिटे वो ही वीर। इनमें छोटा मोटा रो कई कारण नहीं। मारवाड़ी ख्याता और बातों में एक दुओ घणो प्रसिद्ध है। कटारी अमरी शरी तो गारी तारावार हाथल राय सिंगरी दिल्ली रे दरबार। कटार अमरी शरी तो घारी तारावार हाथल राय सिंगरी दिल्ली रे दरबार। अमर सिंह राठौड़ नागौरा राव और जोधपुर महाराजा गजे सिंह जी प्रथम रा बेटा हा और उठी ने राय सिंह द्रांगद्रा रा राजा हा। दोनों मोटा मेनक देश रा धनी अमर सिंह री कटारे राय सिंह री हाथल प्रसिद्ध बैगी। पर तो को गरीब राजपूत हो इतिहास रे पानार नीचे उनडो वीरो चित कर तब छिप गयो। जद की उन अमर सिंह राठौड़ झाला राय सिंह सु ज्यादा वीरता दिखाई और आन शान रे वास्ते मर मिट्यो। सन 1656 रे लगे टगे रो टाइम है। दिल्ली मा से बादशाह शाहजहां रो राज जोधपुर मा दे राजा गज सिंह जी प्रथम राज करे। वे शाहजहां रे दरबार में 5000 रा मनसबदार हा। एक दिन शाहजहां रो दरबार लागोड़ो शेंग अमीर उमरावर खान आपो आप री जगह बैठा हा। भी मगन शाहजहां शेंगा ने सामो जो यार सवाल पूछियो आपने दरबार में खाना री गिनती 60 और उमरावर री गिनती 62 क्यों। इनरो जवाब मने अमे चाहिए। सभा में सन्नाटो छाई गयो। सब एक दूजा रे स्वामी देखने लग गया। पण जना घना जना हा आप आपरी अकल माजो जवाब दिनो पण बादशाह ने संतोष नहीं हुए। छेवट दक्षिण रे सुबेदार मीर खान जहां हाथ जोड़ अर्ज की भी जवाब ना बडेरों रे मुंडे से सुनी है अरे आंखियां दीठी भी है अपा सु हमरा दो बातों में बदता है। इन कारण सु रुतबा में भी ए दो बदता है। ए दो बातों कही है भाई बादशाह बोलियो। एक तो माथो पड़े पछे ये लोग लड़ता रहे और दूजो जद यारा धड़ पड़ जावे तो यारी बीबियां अजीवती उन्हारे लारे बल ने सती वे जावे। एड़ी बेजोड़ मिसाल दुनिया में और कोई मुल्क में नहीं है। इन सारू उमरा वारी दो जगह बत्ती दरबार में गिनी जे। शाहजहां इन बात ने अच्छी तरह जानतो हो उन सोची के इन जवाब कोई नहीं देता तो उमरा वारी दो बातों जगह में तोड़ ना खा और खाना रे बराबर शाट शाट कर देसू। पर बादशाह ने इनरो जवाब मिलवा सु थोड़ी देर चुप रहियो पछे बोलियो मैं दोनों नजारा मारी आंखों सु देखना चाहूं अरे सारो 6 महीना री मोहलत दे जे आ बात पूरी नहीं की तो मीर साहब ने कत्ल कर दियो जावे और उमरा वाली दो बत्ती जगह दरबार में वो भी तोड़ दी जासी। जोधपुर महाराजा गज सिंह जी दरबार में हा वाने आ बात अखरी वी भगत बादशाह रे मुंडा सु निकलोड़े आखिर कुंड मेट सके वहां साची ए दो नजारा तो बादशाह ने बताना। सभा खत्म हुई जद मीर ने डेरे ले गया। मीर ने तसली दी वाने कहो थाने कने 6 महीना री मोहलत है पहली दूजे रजवाड़ा में घूम लो अगर कोई एड़ो वीर और लुगाई थाने मिल जावे तो ठीक है नहीं तो जोधपुर आ जाओ मैं थारी मदद करसो। मीर साहब 4 महीने तय अटी अटी घूमिया पर एड़ो कोई वीर आगे नहीं आयो और नहीं कहवे के इनमें माथा बिना माथा लड़ूला और जे आज जायो तो आकीकर तसली देवे के उन्होंने लारे उन्नी लुगाई सती होसी। मीर साहब उदास हो यार चेवट जोधपुर आया महाराजा गज सिंह जी मीर साहब की खातरी की भी वाने तसली देवी। दूजे एक दिन आपरा सब अमीर उमरावाना बुलाया और सभा की और कहो मारा वीरा बात घनी मोटी कोनी अपना बडेरा अपनी आन और शान सारू मरता आया है हमें बादशाह देखनी चाहे है कहते थाने वीरा मांसू कोई बिना माथे लड़ सके तो है के नहीं और उनरे लारे कोई क्षति हो सके के नहीं बोलो है कोई एड़ो रोंगण सवारे माए। एक दोनों नजारा बादशाह ने बता सके और सबरी नाक राख सके सवारे माँ सन्नाटो छाई गयो। लड़ाई रे माँ दुश्मना सुन लड़तो लड़तो मरणो सोरो पण बिना जीव कोई बात माथो कटाए कुण लड़े और सारे लारे और लारे सती हुए इनरी भी कोई तसली। सब चुप महाराजा एक कुणा सु दूजा कुणा तक नजर फेरी और कोई जवाब नहीं मिलियो। महाराजा री आंखें राती बहगी भुजावा फड़कन लागी हाथ तरवार री मूठ पर आएगी डाकी बेजू गर्द पड़िया आज महारा वीरों में कहरता आ गई और सब नीची आंखें किया बैठा हो आ मत सोचो के मां थान सु कोई तैयार नहीं होए आ बात यूं ही एड़ जावेला आप कोई तैयार नहीं हो तो हूं आगरा आकर खत्म होना हूं पहले ही 18 वर्ष रो एक जवान उठने महाराजा ने मुजरो कियो और उन्होंने कहो अंदाता मारे बैठा आपकी बारीकी करावे मैं विश्वास दे रहा हूं कि मारो माथो पड़िया पछे हूं लड़ सकूं पण आगे कहतो कहतो रुक गयो। शर्म सु आंखिया नीची वेगी महाराजा पूछियो रुकियो क्यों कहीं कहना चाहे आंखिया नीची किया बोलियो हजूर बिना माथा लड़तो लेसू पर लारी बढ़न वाली अजय कोनी हूं हाल कुंवर हूं।
ओ केवणी दूजो कोई नहीं तो गो राठोड़ो। अर महाराजा विचार में पड़ गया, एक समस्या तो पूरी हुई पर दूजी की कर पूरी हुए। एड़ो कौन जो आ कहवे के मारी बेटी इन रंगण ने प्रणाम अर वाणे इन ने लारे सती बेला। महाराजा इन सारू दूजी बार बीड़ो फेरियो, इन बार बीड़ो झेल तो पहले पहली जो बार कोनी लगी। एक भाटी सरदार उठने महाराजा ने मुजरो कियो अर कहो मारी बेटी मुंह तो ने प्रणाम अर वारे लारे सती हो जासी। भाटी कोड़री रीत आय नाद सुवती करण काज कुल क्रीत भटियाणी होवे सती। भाटी कोड़री रीत जाय नाद सुवती करण करण कुछ कुल कीत भटियाणी होवे सती। चोखो साहो देख महाराजा गरसिंह जी तोगा ब्याह रचियो, घणे धूमधाम सु ब्याह हो परण्या पछे तोगा जी बिंदनी रडेरे जावा सु इनकार कर दियो। कहियो हमें बिंदनी सु स्वर्ग पर सु मिलसा, हमें तो चढ़ाई करो और वह बात पूरी करो तो बादशाह ने मारा दो दो हाथ बताओ। अटिने मीर साहब इन जोड़ी जोड़ा हिम्मत देख ने माने माने मन लड्डू बह गया। अरे सोचियो बादशाह ने कहे 12 महीना इन ब्याह और बढ़ा दू तो सोचा एक आंसू जो संतान पैदा होसी वही एड़ी रंगण पैदा होसी हर जग में नाम करसी। आ बात मां महाराजा गज सिंह ने करी वाने भी आज बात दाय आ गई। अर मीर साहब ने इन खातर बादशाह कने भेजन दी थेवड़ी। नवी बिंदड़ी ने जद बात रो भणकारो पड़ो तो उन तोगा कने समाचार भेजियो के मीर शाह ने रोको शरीर ना कोई भरोसा सांस आवे नहीं आवे अर जिकन सारू काम सारू अपारो ब्याह हो वह अधूरू रह जासी। मारे तो चमरी माँ शू उतर तो आई सब चढ़ियोड़ो है अवे तो साथ ही सुरकापुर जाए अर तन मंदरी बातों करसा। तो गारे बात ये बैठी महाराजा ने कई मीर शाह ने रोकाया अर फौज सज धज आगरा कनी कूच करने की तैयारी करने लगी। आगरा समाचार भेज दिनो के आपरा भड़ा ने तोगा सु लड़वा सारू तैयार करने राखजो, वादा मुजब बिना माथे लड़तो को आपरो कर्तव्य बतासी अर उन्नी ठकराणी लारे सती होसी। समाचार सुनता साजा आपरे दो टाळवा एको ने तोगा सु लड़न सारू तैयार की ना वने पार्टी पढ़ाई के मुंह तोगा ने अर जोधपुर साथ में गोट सु गोट देसू अर दूजे दिन लड़ाई करसा। ए लो गोट जीवन ने आवे अर उन वेला एक एको तोगारो माथो वाट देवे अचानक माथो वडन सु तोगो उबो न हो सकेला अर वादो पूरक न कारण कारण अपारा उमरा वारी दो कुर्सियां तोड़ खानो रे बराबर कर देव छो। अर जोधपुर रे साथे आगरे पुगो बादशाह री तरफ सु जीवन रो न्यूतो गयो। एलसी साथे कहवायो के काले तो सगला ने गोट है परसू बादशाह तोगारो नजारो देखसी। दूजा दिन जोधपुर सगड़ो राज आगरे किले फुगो घने मानसू सबने साईवान में बैठाया मान मनवारा होवन लागी ढोली दमामी मेरा सी गावन बजावन लागा। एड़ा माहौल में बादशाह रो एक एको तोगारे कने आवे अर जावे आव तो जाओ तो डोटी मीट सु तोगा ने देखे तोगा ने भेम पड़ियो कोई चूक होसी वा भी हावचेत कने बैठोड़े मेवरा चंदणिंग ने कहो चंदणिंग एने एकारी आंख ओपरी दी से जे वो चूक करे तो इनने ले पड़जो अर मारो माथो वाट दीजो पचे देख दो मारो घटको इन दरी खाना में एड़ी रिटक मचाऊं तो ए मिया घना दिन याद राखसी। ओठी ने तोगारी बिंदनी कहो मारे मेहंदी लगाओ गहना गोटा लाओ दो मैं पेरू शणगार कर तैयार हूं। सात वाली ठकरानियों कहो बिंदनी लड़ाई तो काले होसी आज करो शणगार अर मेहंदी। बिंदनी बोली काकी मारी आंख भूंडी भुरके आज चूक होसी अर ठाकर मारिया जासी मने वो आज ही चिता चढ़नी दिसे इताक मैं तो बारे दरी खाने में कुकर ओड़ पड़ियो तोगा जी एका ने मार नाखियो कने उगोड़े दूजे एक तोगा जी ने माथो वाट दीदो अर तोगो जी बिना माथे जूझ रहा। जोधपुर रे साथ वाला तोगा रे कबंद ने भिड़बा तो क्या ढल थाली नगारा बजावन शुरू किया। चारण पीर रसा दुअर कहन लागा ढली अर डाढ़ी सोरठिया दुआ तोगारो तो कमन झालियो नहीं चले डावी जीमणी आगल पाछल तरवार चलाओ तो मुसलमान ने वाट तो आगे चले ही जावे। दरी खाना में हाहाकार मच गयो बादशाह दौड़ रणवास में फुगो दरबार में उबा राठौड़ तोगा अर भटियाणी रो जयकारा सु आकाश गुंजाई दिनो। छेवट बादशाह गज सिंह जी कने मेनक भेज माफी मांगते कह गलती वे गई इन कमंद ने की करी कर शांत करो कहवे है ब्राह्मण कने सु गुड़ी छाटो ना क्यों जद धड़ पड़ियो। भटियाणी सोलह श्रृंगार कर तैयार बैठी ही जमुना नदी रे कौंठे चंद्रन की चिता चुनी थी। माँ सती भटियाणी तोगा रे धड़ अर शीश ने खोड़ा में ले आराम नाम रे रणकार साथ में चितारी लपटा में समय में सुरगा पुगी। खने उबड़े लोगो जयकारा सु आकार बुझाई दियो सुनवा में आई के जमुना रे किनारे राठौड़ की छतरी रे नाम सु एक छतरी उभी है तो यह दोनों री वीरोचित कारण हमारी साखी है। हेला मारे खेजड़ी स्वर्ण पंथी संदेश बिन माथे हरी बाढ़ा निपजे मारे देश। हेला मारे खेजड़ी सुन पंथी संदेश बिन माथे हरी बाढ़ा निपजे मारे देश।